दोस्तों, अगर आप टीवी पिक्चर ट्यूब को चार्ज करने वाला मशीन बनाना चाहते हैं, पिक्चर ट्यूब को चार्ज करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको मशीन को बनाकर बताऊंगा कि आप किस प्रकार से चार्जिंग मशीन बनाएंगे और किस प्रकार से आप ट्यूब को चार्ज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर ट्यूब चार्ज करने वाला जो मशीन है उसे बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। अगर दोस्तों आप पिक्चर ट्यूब चार्जिंग मशीन बनाना चाहते हैं और ट्यूब को किस प्रकार से चार्ज करना है सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम पिक्चर ट्यूब को चार्ज करने वाला मशीन बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक लोड रेजिस्टेंस लेंगे। इसका जो वैल्यू है यह 5 ओम में 10 वाट में यह रेजिस्टेंस है, जिसे कि लोड रेजिस्टेंस या फिर वायर बाउंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो आपको 5 ओम के लगभग में 10 वाट के बीच में आपको एक लोड रेजिस्टेंस लेना है। इसके अलावा आपको 5408 नंबर का 2 डायोड लेना है और आपको इसे पैरेलल में जोड़ लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने 5408 नंबर का 2 डायोड लिया हुआ है, IN5408 नंबर का 2 डायोड, और इसे हमने दोनों को ही आपस में पैरेलल में जोड़ दिया है, एनोड को एनोड के साथ में, कैथोड को कैथोड के साथ में। तो आपको इस प्रकार से इसका जो कनेक्शन है सबसे पहले कर देना है। इसके अलावा आपको एक कैपेसिटर भी लेना है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 150 μF 450 वोल्ट में एक कैपेसिटर है, यह आपको टीवी के पावर सप्लाई में मिल जाता है। तो हमें दोस्तों एक 150 μF या कि फिर 100 μF 450 वोल्ट में एक कैपेसिटर भी लेना होगा। आपको यह टीवी का जो बेस है, आपको एक बेस मोटे नेक के लिए और एक बेस पतले नेक के लिए लेना होगा। तो फिलहाल दोस्तों मेरे पास ये मोटे नेक का बेस है, जिस पर मैं आपको इस ट्यूब को चार्ज करना बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसे चार्ज करेंगे। इसके अलावा आपको एक 220 किलो ओम का आपको रेजिस्टेंस लेना है। आप देख सकते हैं यह 220 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा आपके पास एक 909 या फिर 606 का जो ट्रांसफार्मर होता है आपको लेना होगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह जो ट्रांसफार्मर है, यह इसका प्राइमरी वाला वायर है जिस पर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे। यहाँ दोस्तों हमारा 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट जो सप्लाई है, इसे घुमाने पर हमारा यहाँ से एसी सप्लाई मिलेगा। तो आपके पास एक 909 का या फिर 606 का जो ट्रांसफार्मर है आपको इस प्रकार से लेना होगा पिक्चर ट्यूब के हीटर को सप्लाई देने के लिए। और आपके पास एक होल्डर भी होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे पास यह एक होल्डर है, बल्ब होल्डर, और इस पर मैंने 2 वायर लगा दिया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लोड रेजिस्टेंस के इस फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ में इस मेन वायर का जो तार है तो हम दोस्तों यहाँ इसे जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमें इसे जोड़ देना है। और अब दोस्तों हम इसी वायर को यहाँ इस ट्रांसफार्मर के एक वायर के साथ में इसे जोड़ देंगे, ताकि हम ट्रांसफार्मर को भी सप्लाई दे सकें और इसे भी हम सप्लाई दे सकें। इस प्रकार से हमें इसे इस प्रकार से जोड़कर
और इसे हमें अच्छे से सोल्डरिंग कर देना है। अब दोस्तों आपको इस कैपेसिटर को लेना है और 220 किलो ओम का ये जो रेजिस्टेंस है आपको इसे लेना है और आपको इन दोनों ही पॉइंट में आपस में इस रेजिस्टेंस को लगा देना है। इस प्रकार से आपको इस 220 के रेजिस्टेंस को आपको इस कैपेसिटर के दोनों ही पॉइंट पर कैसे भी लगा देना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो डायोड है तो हम दोस्तों इसे इस कैपेसिटर के इस पॉजिटिव वाले पॉइंट के साथ में इसे सोल्डरिंग कर देंगे। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से इस डायोड का जो कनेक्शन है इस कैपेसिटर के साथ में कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस होल्डर का जो एक वायर होगा तो हम दोस्तों इसे इस कैपेसिटर के इस पॉजिटिव वाले पिन के साथ में जोड़ देंगे। यह जो होल्डर है इससे जो वायर आया हुआ है एक वायर हमें इस कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले सप्लाई के साथ में जोड़ देना है। इस प्रकार से और अब दोस्तों यह जो होल्डर का दूसरा वायर होगा इसे हम कहाँ लगाएंगे, अब आपको बेस को लेना है और इस बेस पर यह जो 9 पिन आप देख रहे हैं इधर से आप फर्स्ट वाला इसे मोड़ दीजिए, इसका काम नहीं है। अब दोस्तों यह जो इधर से फर्स्ट वाला इसका लेग है यह G1 का है तो हम दोस्तों होल्डर से जो दूसरा वायर आएगा हम इसे यहाँ जोड़ देंगे। यह इसका G1 वाला पॉइंट है, यह इसका GK का पॉइंट है मतलब कि ग्रीन कैथोड वाला, यह G2 है, यह RK है मतलब कि रेड कैथोड, और ये दोनों पॉइंट इसका हीटर का है और यह दोस्तों इसका ब्लू कैथोड वाला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, यह जो ट्रांसफार्मर का हमारा यह सेकेंडरी वाला वायर है जिस पर से हमें यहाँ 6 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट जो सप्लाई है हमें देखने को मिलेगा जिसे कि हम हीटर पर देंगे। तो हम दोस्तों इसे इस बेस पर इस दोनों हीटर वाले पॉइंट पर इसे जोड़ देंगे।
इस प्रकार से आपको ट्रांसफार्मर से आपको 4 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट के बीच में आपको यहाँ सप्लाई देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस वायर को यहाँ जोड़ दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको एक वायर और लेना है और इसके साथ में हम एक अलग से छोटा सा वायर इस प्रकार से जोड़ देंगे। और अब दोस्तों हम इसे यहाँ बेस पर G2 वाले पिन के साथ में इसे हम सोल्डरिंग कर देंगे। इस प्रकार से हमें इस वायर को यहाँ जोड़ लेना है। और अब दोस्तों हमें इस वायर को कहाँ लगाना है, अब दोस्तों हमें इस वायर को इस कैपेसिटर के इस नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ में लगाना है। और अब दोस्तों हमें इस दूसरे वाले मेन वायर को यहाँ ट्रांसफार्मर के दूसरे वाले वायर के साथ में इसे इस प्रकार से जोड़ लेना है। और इसे दोस्तों हमें इस कैपेसिटर के निगेटिव वाले पॉइंट के साथ में डायरेक्ट हमें जोड़ देना है। और इसी के साथ में ये हमारा G2 वाला जो सप्लाई है वह हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो चार्जिंग मशीन है वह बन चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ टेप लगा देता हूँ फिलहाल। अब दोस्तों आप इस मशीन से पिक्चर ट्यूब को चार्ज किस प्रकार से करेंगे, तो आपको इस प्रकार से एक 15 वाट का बल्ब लेना है जिसको कि आप 0 वाट का बल्ब भी कहते हैं, आपको होल्डर पर लगा देना है। और अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसे हम इस बेस को यहाँ पिक्चर ट्यूब के साथ में लगाएंगे। इस प्रकार से हमें बेस को यहाँ इस पर लगा लेना है। अब दोस्तों हमारा यह जो निगेटिव वाला वायर आया हुआ है इस कैपेसिटर से, यह G2 वाला पॉइंट है और यह हमारा जो बल्ब से हमारा एक वायर आया हुआ है हमने इसे G1 पर लगाया हुआ है। अब दोस्तों आपको जिस भी कैथोड को चार्ज करना है, जैसे कि यह ब्लू कैथोड है, अगर पिक्चर ट्यूब पर नीला रंग कम है तो आपको इस वायर को यहाँ लगाना है। अगर दोस्तों आपके पिक्चर ट्यूब पर लाल कलर कम है तो आपको इसे RK पर लगाना है, अगर हरा कलर कम है तो आपको यहाँ GK पर लगाना है। तो अब दोस्तों मैं इसे फ़िलहाल आपको इस ब्लू कैथोड वाले पॉइंट पर इसे लगा कर और आपको चार्ज करके भी दिखाता हूँ। हम दोस्तों इसे घुमाकर इसका जो वोल्टेज है हीटर के लिए 4 वोल्ट से 9 वोल्ट के बीच में 12 वोल्ट मेंट कर सकते हैं। तो हम दोस्तों इसे सबसे पहले कम में रखेंगे। अब दोस्तों मैं इसे पावर देता हूँ। दोस्तों मैंने इसे पावर दे दिया है और आप देख सकते हैं कि बल्ब हमारा
तेजी से जलकर बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं पिक्चर ट्यूब हमारा जैसे ही चार्ज होगा तो बल्ब हमारा धीरे धीरे ग्लो होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि यह जो बल्ब है तेज़ी से ग्लो ना करने लगे। अगर दोस्तों आपका ट्यूब चार्ज नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको हीटर का जो वोल्टेज है आपको बढ़ा देना है। आपको दोबारा से इसे इस प्रकार से चार्ज करके देखना है। आप देख सकते हैं कि बल्ब हमारा अब थोड़ा तेज़ी से ग्लो करने लगा है। जैसे ही बल्ब तेज़ी से ग्लो हो जाए आपको इसे बंद कर देना है और आपको दोस्तों इसे निकाल देना है, आपका जो पिक्चर ट्यूब है चार्ज हो जाएगा। अब अगर आपको दूसरे कैथोड को चार्ज करना है तो आपको दोस्तों इसे यहाँ से निकाल कर, इसे ड्यूटी वाले वायर को यहाँ से निकाल कर, अगर आपको इस आरके वाले कैथोड को चार्ज करना है तो आपको दोस्तों इसे यहाँ लगा देना है। आपको एक साथ तीनों कैथोड पर इसे नहीं लगाना है, याद रखिएगा। आप इस प्रकार से इस पिक्चर ट्यूब मशीन को बनाकर आप पिक्चर ट्यूब को चार्ज कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से पतले नेक का जो पिक्चर ट्यूब है उसे भी आप उसका जो कनेक्शन है करके आप उसे चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।